मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टीचर, टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चे कैसे टीचर। हो सब? मस्त मजे में? हाँ, यस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलो, सुप्रभात। आज हम बच्चों हिंदी का विषय सीखने वाले हैं, ठीक है? अब मैं मेरा परिचय दे रही हूँ। अभी देखो, कोविड के कारण हम सब अभी भी घर पे हैं, हमारा स्कूल चालू नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी पढ़ाई रुकने वाली नहीं है। और नहीं, इसलिए ये हम स्टेट लेवल का लेसन जो होता है अरेंज होता है, और हमारे जो एक्सपर्ट टीचर है, हमारे जो मैडम है, उन सबका मैं परिचय और मेरा परिचय दे रही हूँ, ठीक है? मेरी स्कूल का नाम है सिटी ऑफ लॉस एंजलिस इंग्लिश यूपीएस जी नॉर्थ वार्ड, और मेरा नाम है सोनल अरुण पालव। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है मिसेस स्नेहलता डुमरे मैडम। नोडल बीट ऑफिसर है मिस्टर शरद कुराड़े सर। नोडल एचएम है हमारे मिसेस मैरी पुष्पम पॉल मैम। असिस्टेंट नोडल एचएम है मिसेस मनप्रीत कौर आनंद। और हमारे सीएनओ सर है मिस्टर रतिलाल किशन बरगुले। ओके, चलो बच्चे, आज देखो हमें कौन मिलने आया है, हम देखते हैं। बुद्ध चलो, कौन है ये? क्या लगता है तुम्हें, कौन है ये बच्चे हो? पानी हाँ बोलो। पानी की बूंद, की पानी की बूंद, बूंदे। यस। और ब्रा, कैसे हंस रहा है वो, पानी का बूंद जो है वो हाँ, एकदम हंस रहा है, और तुम सबको हाँ गुड मॉर्निंग बोल रहा है। तुम्हें मिलने आया है क्योंकि आज हम उसकी कविता सुनने वाले हैं ना, इसलिए। हाँ अभी आगे देखेंगे। हाँ बच्चों, देखो, अभी इसके ऊपर हमने एक आज का सुविचार लिया है। देखो, जल तो है सोना, सोना, इसे कभी इस नहीं खोना, कभी नहीं ठीक है? अभी क्या खोना। बोला है, जल जो है उसका किसके साथ तुलना की है? सोने के साथ। सोना यानी गोल्ड, तो हम गोल्ड है जो, सोना जो है वो यहाँ इधर उधर फेंकते हैं क्या? नहीं, नो उसको संभाल के रखते हैं, है ना? तो नहीं पानी वैसे ही कभी हमें इधर क्या उधर करना फेंकना है? नहीं है, हाँ, पानी कभी फेंकना नहीं है, और यस, उसे पानी कभी भी सफाई करनी जैसे नहीं हम है। सोने को संभालते हैं, वैसे हमें क्या करना है? हमें जो पानी पानी है, को भी जल, जल संभाल का मतलब है पानी, तो पानी पानी को भी हमें संभालना है, ठीक है है। बच्चों? हमारा कक्षा क्या है? 5वीं कक्षा है हम, पांचवी, बरोबर। और हमारा हिंदी विषय है, और सुलभ भारती हमारा जो बुक है उसका नाम है ना, और उसमें हाँ, पाठ दूसरा हम पढ़ रहे हैं अभी, जिसका नाम बूंदे है बूंदे। बूंदे बूंदे। देखो, अभी ये जो नाम दिया है ना, रोहिताश्व अस्थाना, हाँ क्या है नाम मेरे पीछे बोलो? रोहिताश्व 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 अस्थाना अस्थाना। अस्थाना हाँ, ये कौन है, तुम्हें क्या लगता है ये कौन है? वो कविता लेके आए हाँ, जिन्होंने, जिन्होंने ये कवि बूंदे कवि कविता जो है वो लिखी है, तो हमें जरूर मालूम होना चाहिए कि हम जिसकी कविता पढ़ रहे हैं वो कौन है। तो उनका नाम क्या है? रोहिताश्व रोहिताश्व अस्थाना। अस्थाना। अभी तो तुम छोटे हो, सिर्फ 5वीं में हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ नाम याद रखना है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, आगे के क्लास में जाओगे, तुम्हें इनके बारे में माहिती भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है? तो पहले से ही हमें आदत रहनी चाहिए कि हम जो भी कविता, जो भी पाठ हम पढ़ रहे हैं, उसके जो लेखक है या कवि है, तो उसके बारे में हमें नाम उनका मालूम होना जरूरी है, चाहिए ठीक है? अभी टीचर जो पढ़ रहे हैं, ध्यान से सबको सुनना है, ठीक है? देखो, रिम जिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, ठीक है? गाती, हाँ बोलिए बोलिए। रिम झिम गाती बूंदे, धरती गाती बूंदे, पर है आती धरती पर बूंदे, आती बूंदे। आगे खेतों बागों मैदानों में खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, हरियाली फैलाती बूंदे, आगे धरती से नालों नदियों में, धरती धरती से से नालों नालों नदियों में, नदियों सागर में मिल जाती बूंदे, सागर में मिल जाती बूंदे।
गर्मी से तपते लोगों को गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे शीतलता पहुंचाती बूंदे मेंढक मोर पपी है कोयल मेंढक मोर पपी है कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे सबका मन हर्षाती बूंदे पुरवाई के रथ पर चढ़कर पुरवाई के रथ पर चढ़कर इटलाती मुस्काती बूंदे इटलाती मुस्काती बूंदे अच्छा अभी देखो कवि ने इस कविता में क्या कहा है हम देखेंगे प्रस्तुत कविता में कवि ने दर्शाया है कि वर्षा ऋतु में बूंदे जो होती है वो क्या क्या करती है कहाँ कहाँ जाती है और बूंदों से क्या क्या होता है इन सभी बातों का उन्होंने ये कविता में वर्णन किया है। अभी टीचर दो दो लाइन तुम्हें समझाएंगे कि क्या कहा है कवि ने ठीक है चलो अभी साथ में हम बहुत अच्छे अच्छे चित्र है वो भी देखेंगे देखोगे ना बच्चे देखो बूंदे कविता का नाम है इधर बूंदे का चित्र है देखो वो भी हंस रहा है और हमें बोल रहा है कुछ है ना देखो रिम जिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे अभी देखो बारिश जब आती है बच्चे तभी वो कहाँ आती है नीचे जमीन पे धरती पर यानी जमीन पे पृथ्वी पे हमारे है ना और वो आती है कैसे रिम जिम वो गिरने शुरू होती है धीरे 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 और फिर कभी कभी बहुत जोर से आती है ना लेकिन जो आती है बूंदे वो कैसी है रिमझिम 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 ओके हाँ अभी आगे अभी क्या है देखो ये चित्र में क्या क्या दिख रहा है बच्चे तुम्हें ओ खेत खेत मैदान नदी खेत हाँ, नदी क्या है, क्या कवि बागे बागे और टू मैन्स एक ओ औरत है आई नहीं हाँ, दो दो मैन्स क्या कर रही है वो क्या कर रही है वो पेड़ बढ़ने के लिए ये बी लगा रही हाँ, वो चावल होता है ना चावल उसकी खेती कर रहे हैं बच्चे हाँ क्या है कवि ने ये क्या दिया है वाक्य खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे यस अभी देखो बारिश जब आती है तभी खेत खेत यानी फार्म यस कैसे हो जाते हैं एकदम हरियाली फैलाती हरियाली यानी क्या हरा भरा हो जाता है हरा हरियाली यानी हरा रंग बराबर तो पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है ना हरा हरा बारिश आने के बाद तो उसका असर कहाँ कहाँ होता है कवि बोल रहे हैं खेतों में खेतों बागों में राइट फिर बाग में बाग यानी क्या बच्चे बाग यानी क्या गार्डन गार्डन वेरी गुड बाग यानी गार्डन और मैदानों में यानी क्या बच्चे मैदान यानी क्या ग्राउंड हाँ उसको अंग्रेजी में ग्राउंड बोलते हैं मैदान यानी ऐसी जगह कि जहाँ कोई भी जाके कुछ पेड़ पौधे लगाती नहीं है लेकिन बारिश की बूंदे जब गिरती है और तो बच्चे भी मैदान हाँ बच्चे मैदान में खेलते हाँ वहाँ बड़ी बड़ी घास अपने आप हो जाती है ना हाँ। क्यों क्योंकि बारिश की बूंदे वहाँ गिरती है और ये क्या है ये बूंदे जो है बारिश की बूंदे जो है उसके कारण क्या होता है सब जगह पूरी हरियाली फैल जाती है फैल जानी आती है पसारा पूरा पसारा हो जाता है ऐसा नहीं कि थोड़ा जगह में ही हरियाली होती है हाँ जहाँ जहाँ पेड़ नहीं होते वहाँ भी छोटे छोटे पौधे अपने आप आ जाते है ना हाँ। आगे देखते तो अभी ये बूंदे कहाँ जाती है भाई देखते है वो नदी से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे अभी देखो तुम्हें दिख रहा है बारिश की बूंदे आ रहा है आ रही है और एक आदमी छाता लेके देखो पेड़ के नीचे खड़ा है ना और क्या क्या दिख रहा है हमें सागर है सागर समुद्र सागर दिख रहा है हाँ पहले हम नालों के बारे में देखेंगे अभी नाला यानी क्या बच्चे जो हमारे घर के आजू बाजू या रस्ते में जो छोटे छोटे ऐसे जगह रहती है जहाँ से पानी बहते रहता है ना तो जब बारिश का पानी गिरता है तो उसका जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ वो जमा होता है कहाँ कहाँ जमा होता है
वेल में जमा होता है ना, फिर नदियों में जमा होता है, लेकिन कोई कोई जगह ऐसी होती है कि जहाँ ऐसा कुछ नहीं रहता, तो पानी बह के कहाँ जाता है, नालों में चला जाता है, हाँ, और फिर वहां से कहाँ मिलता है वो, नदियों में। नदी यानी क्या बच्चे, नदी को क्या बोलेंगे हम अंग्रेजी में, रिवर, क्या बोलेंगे, रिवर। देखो यहाँ कितना सुंदर चित्र दिया है ना नदी का, जहाँ फूल है, फिर कमल है, फिर और कौन बैठा है वहाँ बच्चे, मेंढक बैठा है ना, वो दिखाया है ऐसे, और वो कैसा मेंढक दिख रहा है तुम्हें, ऐसे दुखी दिख रहा है, नहीं ऐसे खुश दिख रहा है, क्योंकि पानी अच्छे से बह रहा है ना। और बाद में ये सब जो है पानी, जो सबसे पहले नालों में गया, फिर नदियों में मिला, और एकदम लास्ट में वो किसको मिल जाता है, सागर को। सागर यानी क्या, सागर यानी समुन्दर, दिख रहा है तुम्हें बच्चे चित्र में, समुन्दर दिख रहा है, सी जिसको बोलते हैं ना। चलो अभी आगे देखते हैं, हाँ चलो अभी देखो बाबा क्या है, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। अभी जो बूंदे है देखो क्या होता है, कौन से महीने में आती है बच्चों, क्या बारिश कौन से महीने में आती है, जून, जून, और उसके पहले अप्रैल और मई में हमें कैसा हमारा वातावरण रहता है आजू बाजू का बच्चों, गर्मी, गर्मी, हॉट हॉट रहता है, बहुत गर्मी रहती है ना, और उससे क्या हो जाता है, लोग तपते हैं, तपते यानी कि एकदम हम लोग पूरा गर्मी के कारण परेशान हो जाते हैं ना। लेकिन बूंदे जब गिरती है तभी वो क्या पहुंचाती है, शीतलता, शीतलता यानी ठंडा, शीतल यानी ठंडा, और शीतलता यानी ठंडक पहुंचाना। देखो थोड़ी भी बच्चे बारिश आती है तो हमें कितना अच्छा लगता है ना, ऐसे लगता है ना हम सोते ही रहे, है ना, उठे ही नहीं, बाहर अंधेरा है, बारिश गिर रही है, ठंडा ठंडा है, तो और 5 मिनट सोए, और 5 मिनट सोए, सब बच सबको, बच्चों से लेके बूढ़ों तक बहुत बारिश पसंद होती है। और जब पहली बारिश आती है बच्चे, तो दिख रहा है ना तुम्हें चित्र में, देखो वो बड़ा लड़का है, वो भी खेल रहा है पानी में, और जो छोटे बच्चे है तुम्हारे जैसे प्यारे प्यारे, वो क्या कर रहे है, बारिश जब गिरती है तभी उसमें नहाने भाग जाते पहली बारिश में, है ना, और पहली बारिश में भीगना सबको अच्छा लगता है ना, क्योंकि हम इतने परेशान होता है गर्मी से, तो जब बारिश आती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, आगे अभी देखो, सिर्फ हम लोग मनुष्य जो है वो ही खुश होते हैं क्या बारिश आती है तो, नहीं, देखो क्या दिया है कवि ने, मेंढक, मोर, पपी, कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। अभी ये जो बूंदे है वो मेंढक, मेंढक यानी क्या दिख रहा है तुम्हें चित्र में, मेंढक, हाँ, फ्रॉग, जिसको इंग्लिश में फ्रॉग बोलते है ना, मेंढक जो है वो भी खुश है। फिर मोर, तुम्हें मालूम है ना मोर, पीकॉक, पीकॉक ये हमारा क्या है, नेशनल बर्ड है ना, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना, यस, ऐसा बोला जाता है जब बारिश होने वाली होती है या बारिश होती है तभी जो मोर होता है वो पूरा अपने सब पंख खोल के क्या करता है, नाचता है, नाचता है, खुशी के मारे वो नाचता है ना, क्योंकि बारिश हो रही है। अभी देखो आगे क्या है, पपी है, देखो तुम्हें चित्र में दिख रहा है बच्चे, पपीहा एक बर्ड है, वो पपीहा है वो एक बर्ड है, और वो बर्ड जो है वो भी बहुत सुंदर आवाज करता है ना, और ये ब्लैक कलर का दिख रहा है काला काला तुम्हें, वो कौन है, कोयल है, कोयल है, देखो कैसे दिखती है, पूरी काली, लेकिन उसके आंख जो है वो लाल है, और उसकी जो चोंच होती है वो पीले रंग की होती है। और कोयल कैसे बोलती है बच्चों, बोल के दिखाओ मुझे, कोयल कैसे बोलती है, कुहू कुहू, है ना, हाँ ऐसे बोलती है। तो क्यों बोलती है ऐसे, क्योंकि उसका मन भी हर्षाता है, बूंदे के कारण क्या होता है उनका मन भी क्या होता है, हर्षाना, हर्षाना यानी कि बहुत ही खुश होना। ठीक है, तो जैसे मनुष्य खुश होता है वैसे ही
मेढक है, मोर है, पपीहा है और कोयल है, वो सभी खुशी के मारे एकदम झूम उठते हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। हाँ देखो क्या कहा है कवि ने, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। तुम्हें दिख रहा है एक रथ जैसा, दिख रहा है बच्चे चित्र में, है ना? और वहां कौन बैठा है बीच में देखो, हाँ बूंद बैठा है ना, यानी बारिश की बूंद बैठी है। और ऐसा लगता है पुरवाई के रथ पे चढ़कर, अभी पुरवाई से यानी कि पूर्व से आने वाली जो हवा होती है, पूर्व पश्चिम मालूम है ना बच्चे तुम्हें, तो वहां से जब हवाएं आती है, पुरवाई आती है, तभी बारिश आती है, अपने साथ बादल लेके आती है और फिर बादल गरज के क्या गिरता है, बारिश गिरती है। तो वो ऐसे लगता है कि पुरवाई के रथ पर चढ़ के, रथ पर कौन बैठता है बच्चे, जो राजा होता है या जो महान व्यक्ति रहता है वही बैठता है ना वो रथ पे, है ना? तो वैसे बूंद कैसे आती है, जैसे कि पुरवाई के रथ पे चढ़ के आती है और फिर वो इठलाती भी है और मुस्काती भी है। इठलाती यानी कि एकदम इठलाना, हाँ, और मुस्काना यानी कि हंस के एकदम इतराना, इठलाना या इठलाती यानी इतरा के आती है। ठीक है, देखो यहाँ भी लिया दिया है नाम उनका, जो हमारे कवि है रोहिताश्व अस्थाना, सबको याद रहना चाहिए हाँ बच्चों कवि का नाम। देखो अभी देखो बच्चे तुम्हें चित्र दिख रहा है, ये चित्र जो है वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक का है ना, हमारे टेक्स्ट बुक में जो कविता है वो ये है। चलो टीचर वापस एक बार बोलेंगे, तुम लोग टीचर के पीछे बोलोगे, हाँ अच्छे से बोलना, एक साथ हम बोलेंगे अच्छे से, एक साथ यानी टीचर पहले बोलेंगे फिर आप उसको वापस दोहराओ। ठीक है चलो, रिम जिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में, धरती से सागर में मिल जाती बूंदे, सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, शीतलता पहुंचाती बूंदे, मेंढक मोर पपीहे कोयल, मेंढक मोर कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। इठलाती मुस्काती बूंदे, टीचर मेरे को याद हो गया। हाँ बहुत अच्छे, चलो आप बोलेंगे, आपको याद हो गया तो बोलो बेटा, अगर आप कहाँ रुकोगे तो मैं बताऊंगी। हाँ स्टार्ट। रिम जिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में फैला हरियाली पहुंचाती बूंदे, काले नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, मेंढक मोर कभी है कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बोला आपने। देखो मैं अभी भी देखो बोली बच्चे चित्र में क्या दिखाया है, यहाँ चित्र दिए देखो, बाजू में क्या है, लेफ्ट साइड पे ऊपर बारिश बादल है, उसमें से बूंदे गिर रही है बारिश की, है ना? बूंदे गिर हाँ। रही फिर क्या है नीचे, उसके क्या है, पेड़ है ना, उसके नीचे क्या दिया है। है, टहनी पे कौन बैठा है बच्चों, कोयल हाँ पपीहा और कोयल बैठी है, और कोयल नीचे कौन नृत्य कर रहा है बच्चों, मोर, कोयल मोर जो है पिको वो नृत्य कर रहा है, और यहाँ कौन आ रहा है रथ पे बच्चों, बूंदे बूंद, बूंद जो है वो रथ पे सवार होके आ रही है ना,
और नीचे देखो तुम्हारे जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, जब बारिश गिरती है तभी खेल रहे हैं, है ना। चलो अभी हम कविता के जो कठिन शब्द है उसको देखेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ चलो चलो, क्या है शब्दार्थ यानी मीनिंग, ठीक मीनिंग है। चलो अभी टीचर बोलेंगे, टीचर के पीछे एक बार रिपीट करो आप। हाँ, बूंदे, बूंदे, वर्षा की बूंदे, वर्षा की बूंदे, रेन ड्रॉप्स, रेनड्रॉप्स, फिर धरती, धरती, जमीन, 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 लैंड, लैंड, खेत, लैंड, कृषि, खेत, कृषि, भूमि, भूमि, फील्ड, फील्ड, हर्षाना हर्षाना यानी खुश यानी रहना, खुश रहना, हैप्पी, 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 पपीहा, पपीहा, एक एक पक्षी, पंछी, कोयल, यस, एक पक्षी, कक्कू बोलते उसको। हाँ कक्कू, हाँ इठलाना, इठलाना याने इतराना, इतराना, इठलाना याने इतराना, इतराना, पुरवाई, पुरवाई यानी कि पूरब से आने वाली हवा, यानी के पूरब से आने वाली हवा, ईस्टर्न ब्रीज। इस्टर्न अभी आगे और क्या दिया है, सागर, सागर यानी समुद्र। हाँ उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सी। हाँ सरिता, नदी नदी यानी सरिता, यानी सरिता, अंग्रेजी में रिवर, क्या बोलेंगे, रिवर, ठीक है। अभी आगे देखेंगे। हाँ चलो अभी देखो, टीचर प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढकर लिखिए। लयात्मक मतलब क्या बच्चों, उसका क्या अर्थ होता है लयात्मक, यानी हम अंग्रेजी में जब कविता सीखते हैं तभी ये करते हैं हम। राइमिंग वर्ड्स, हाँ बहुत अच्छे, राइमिंग वर्ड्स इसको बोलते हैं। तो देखो ये कविता में कौन से राइमिंग वर्ड है, तो पहला हम आती देखेंगे आती, आती बाती। हाँ गाती, हाँ दूसरा क्या है, इठलाती, 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 हर्षाती, हर्षाती। पहला, और तीसरा क्या तिसराती, है, मुस्काती, फैलाती, फैलाती, मुस्काती, मुस्माती। मुस्काती, चलो वापस एक बार कौन बोलेगा अच्छे से। हाँ मैं शमिका, बोलो बेटा। आती हाँ गाती, हाँ दूसरा इटलाती हर्षाती, बहुत अच्छे। दूसरा फैलाती मुस्काती, हाँ तो ये क्या हो गए हैं, लयात्मक शब्द यानी कि जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। राइमिंग लेकिन ये वर्ड्स, शब्द हमें याद रखना है, हिंदी में राइमिंग वर्ड ऐसा नहीं पूछेंगे, क्या पूछेंगे, लयात्मक शब्द। लयात्मक यानी कि एक ही लय में, देखो आती गाती इठलाती हर्षाती फैलाती मुस्काती, है ना, सेम उसका हाँ प्रोनाउंस होता है ना, सेम बोला जाता है ना, इसलिए उसको लयात्मक शब्द बोलते हैं, याद रहेगा ना बच्चों। चलो आगे देखेंगे। हाँ अभी देखो स्वाध्याय हमको करना है, ठीक है। अभी देखो स्वाध्याय में तुम्हें ऐसा सवाल पूछा जाएगा, आकृति पूर्ण कीजिए, यानी उन्होंने कुछ दिया होगा उसको तुम्हें पूर्ण करना है, ठीक है। अभी प्रश्न क्या है बच्चों, कविता में आने वाले पक्षियों के नाम बताइए। हाँ अभी यानी कि कविता में कौन से बर्ड आते हैं, पक्षी यानी बर्ड, वो जो बर्ड है वो कौन से हैं उसके नाम बताना है। कौन से हैं, मोर, पपीहा और कोयल। मेंढक ये पक्षी नहीं है बच्चे, मेंढक ये आंसर रॉन्ग है आपका। सामने यहाँ आंसर दिया है, देखो क्या क्या दिया है, पक्षी यानी कि बर्ड्स। तो कौन से बर्ड्स के बारे में बात हुई है कविता में, मोर, पपीहा और कोयल, कोयल। देखो अगर ऐसे तुम्हें अलग तरीके से सवाल पूछा जाएगा तो
उसका जवाब जरूर देना है और सोच के देना है, ठीक है? अगर तुम यहाँ मेढक लिख दोगे तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग होगा बच्चे, ठीक है? हमें क्या पूछा गया है, पक्षियों के नाम बताओ, ठीक है? कौन से पक्षियों के नाम, कौन बोलेगा वापस? मैं बोलो। मोर, पपिया। हाँ, मोर, पपिया और कोयल। चलो आगे का प्रश्न देखेंगे। चलो अभी यहाँ बूंदी इनमें मिल जाती है, यानी कि बूंद जो है कौन सी जगह में मिल जाती है बच्चों? नालों, नदियों, सागर। हाँ, अभी ये तब तुम उत्तर कब लिख सकते हो अच्छे से, जब तुम्हें कविता जो होती है वो कंठस्थ होती है, तो तुम्हें इसका उत्तर लिखना आसान हो जाता है, ठीक है? तो क्या आएगा, बूंद किन में मिल जाती है? नालों में, नदियों में और सागर में। अभी जब हम इसका उत्तर लिखते हैं तभी हमें उसको बरोबर लिखना है, जैसे कि नदियों, तो द के आगे ई कैसे लिखा है वो ध्यान रखना है। नदियों, यो के ऊपर जो बिंदु है वो अगर तुमने नहीं लिखा तो तुम्हारा उत्तर गलत हो जाएगा, तुम्हारे वहां मार्क कट जाएंगे, ठीक है बच्चों? तो ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ उत्तर आना जरूरी नहीं है, उसको लिखने के समय गलती नहीं करना है, ठीक है? आगे चलो, अभी हम बड़े प्रश्न लेते हैं कि जो तुम्हें आंसर लिखना है। चलो, बूंदे क्या गाती है बच्चों? देखो उसने उत्तर दिया है, बूंदे रिमझिम गाती। हाँ, बूंदे कैसे गाती है? रिमझिम रिमझिम गाती है ना? अच्छा चलो, अभी दूसरा देखेंगे। धरती पर क्या आता है, आती है? धरती पर कौन आती है बच्चों? पर बूंदे आती है। हाँ चलो, कौन पढ़ेगा ये प्रश्न, कौन पढ़ेगा वापस? धरती पर क्या आती है? हाँ, बूंदे आती है। धरती पर बूंदे आती है, बहुत अच्छे। आगे बूंदे, चलो कौन पढ़ेगा? बूंदे हरियाली कहाँ से लाती है? हाँ, बूंदे हरियाली कहाँ से लाती है, कहाँ कहाँ आती है उनके कारण हरियाली? बूंदे हरियाली खेतों, बागों और मैदानों में फैलाती है। हाँ, जब बूंदे आती है तभी खेतों में, बागों में और मैदानों में क्या होता है, पूरा हरियाली फैल जाती है। दिख रहा है ना तुम्हें, चित्र में दिया है, देखो सब ग्रीन ग्रीन है ना। आगे बूंदे कहाँ मिल जाती है, एकदम लास्ट में बूंदे मिल जाती है। देखो सागर, यानी सी का फोटो दिया है ना टीचर ने, तो लेकिन सागर से मिलने से पहले बूंदे कहाँ गिरती है बच्चों? सागर में कहाँ से आती है बताओ? नालों से, नदियों में, और नदियों से फिर सागर में मिल जाती है ना। चलो आगे, चलो, बूंदे शीतलता किसे पहुंचाती है? बूंदे जो है वो किसे पहुंचाती है? लोगों को शीतल पहुंचाती है। हाँ, बूंदे जो है वो किसे पहुंचाती है शीतलता? जो तपते लोग हैं उनको पहुंचाती, जो गर्मी से बहुत परेशान है उनको शीतलता पहुंचाती है। आगे बूंदे किसको हर्षाती है? देखो क्या आएगा और कोयल का मन हर्षाती जो है वो मेढक, मोर, पपीहा और कोयल का मन हर्षाती है, ठीक है बच्चों? चलो आगे, अभी बताओ मुझे इसका प्रश्न कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा प्रश्न? बूंदे कहाँ चढ़कर इठलाती और मुस्काती है? बूंदे जो है वो कहाँ चढ़कर आती है? बूंदे पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती और मुस्काती है, ठीक है बच्चों? चलो अभी आगे, आगे का प्रश्न कौन पढ़ेगा ये प्रश्न? बूंदे कविता। हाँ कौन है?
हाँ बूंदे कविता के कवि कौन है? हमने पहले ही देखा ना, इनका नाम देखा ना बच्चों? चलो कौन पढ़ेगा उत्तर? चलो मैं पढ़ती हूँ। बूंदे कविता के कवि रोहित अश्व अस्थाना जी है। ठीक है, तो ये पूरे प्रश्न जो है वो हमें सबको मालूम रहने चाहिए, जो शब्दार्थ है वो। तो आज तुम्हें क्या करना है बच्चों? तुम्हें कविता पूरी लिख के उसको कंठस्थ करनी है, और जितने भी शब्दार्थ है, जितने भी प्रश्न है, वो तुम्हें अच्छे से बुक में लिखने है। ठीक है, और साथ में पानी का जो महत्व है, बारिश का पानी जो है, अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों? पानी नहीं होगा तो चलेगा क्या? नो। हाँ, क्यों नो? क्योंकि पानी जो है वो हमारी जरूरत की चीज है। पानी के बिना रह नहीं सकते हम, सुबह से लेके रात तक पानी जो है वो यूज करते हैं, और उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। जैसे हमें खाना चाहिए, रहने को मकान चाहिए, और वैसे ही हमें जीने के लिए पानी भी इतना ही महत्वपूर्ण है। तो आज से हम लोग क्या प्रॉमिस करेंगे कि हम पानी जो है वो कभी भी उसको वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, ओके। चलो अभी अच्छे से रहना, अच्छे से संभाल के रहना, और टीचर अभी धन्यवाद कर रहे हैं, आपने मेरा लेसन जो है अच्छे से सुना, उसके लिए सबको धन्यवाद। थैंक यू बच्चे, बाय बच्चे।